हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है और बहुत ही कम समय में आसानी से बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए इस खस्ता कुरकुरे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम गेहूं का आटा। आप इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा अजवाइन लिया है, काली वाली मंगरेल लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है, 4 चमचे ऑयल के डालकर हमें इसे मोयम देना है। आप चाहे तो मोयम देने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इस आटे को अच्छे से मसल लेना है और देखिए, जब यह अच्छे से मुट्ठी बनने लगेगी तब समझिए कि हमारा मोयम जो है एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, इस तरह की मुट्ठी बन रही है तो मतलब हमारा मोयम जो है वो एकदम परफेक्ट है। बस इसमें हमें पानी डालकर अच्छे से गूंथना है। जिस तरीके का हम पूरियों का आटा लगाते हैं उसी तरीके का आटा गूंथ कर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आटा हमारा तैयार है तो इसे 10 मिनट के रेस्ट पर रखते हैं। तब तक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने भुने हुए सिंगदाने लिए हैं, आधा वाटी सिंगदाना लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च डालने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ तो 4 से 5 हरी मिर्च डाल दिए। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे। अब इसमें 2 चमचे जो है दही के डालेंगे, थोड़ा सा चीनी भी डालना है। अगर आप मीठा पसंद करते हैं खट्टी मीठी चटनी तो चीनी डालिए, वरना चीनी मत डालिए। टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, 2 चमचे दही डालने हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर इसमें पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेना है और हमारी खट्टी मीठी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम समोसा बना रहे हैं। तो समोसे की स्टफिंग के लिए हमने मसालों को तैयार करना है। यहाँ पर लहसुन लिया है, मिर्ची लिया है, अदरक लिया है, धनिया के पत्ते लिए हैं और कड़ी पत्ते लिए हैं। इन सभी को मिक्सर की वाटी में डाल देना है। तो ये देखिए, सभी मसालों को हमने मिक्सर की वाटी में डाल दिया है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालना है और इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो पीस कर तैयार है। तो फ्रेंड, पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छा गर्म है। इसमें थोड़े से सौंफ, थोड़े से खड़े धनिया और थोड़े से राई के दाने डालने हैं, 4 से 5 खड़ी पत्ते डालने हैं। इन्हें तड़कने देंगे और जैसे ही यह तड़कने लगे, जो मसाले हमने पीस कर रखे हैं हमें उन्हें इसमें डालना है और अच्छे से भूनना है। ध्यान रखिएगा, मसाले जलने नहीं चाहिए। अब यहीं पर थोड़ा सा चुटकी भर, 2-3 चुटकी भर हल्दी का पाउडर डाल देंगे। जो नमक हमें डालना है मसालों में, वो नमक भी यहीं पर डाल देना है। 1 चम्मच नींबू का रस डाल देना है और मसालों को अच्छे से भून कर तैयार कर लेना है। अगर आपको मसाले थोड़ा सूखे लगे तो आप इसमें 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें बॉयल मटर डालने वाली हूँ। तो उबला हुआ मटर है उसे मैं आधा वाटी डाल रही हूँ और थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। इसके बाद 4 से 5 उबले हुए आलू रखे हैं, उन्हें मैश करके डाल देने हैं। बस अब करना क्या है, मसालों को अच्छे से भून लेना है और मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यह मसाला खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज इसी मसाले से हम समोसे बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा समोसे का जो आलू होता है वो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आटा जो है हमारा रेस्ट ले चुका है। आटे के पेड़े काट कर हमने इस तरीके का लंबे शेप में बेल लिया है। अब इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, समोसे की एक पट्टी को उठाना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके ऊपर पानी लगा लेना है और फिर से फोल्ड कर लेना है और ट्रायंगल के जैसा बना लेना है। अब जो मसाला हमने तैयार किया है
उसे इसके अंदर फिल कर देना है और इसके साइडों पर इस तरीके से पानी लगाना है और पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़ कर इसे प्रेस करके चिपका लेना है। तो फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा समोसा भी तैयार करेंगे। ये देखिए पानी लगा दिया है, अब इसे चिपका लेंगे, इसके अंदर मसालों को भर देंगे, इसके साइडों पर भी पानी लगा लेंगे और पीछे की तरफ से मोड़ कर इसे चिपका लेंगे। ये देखिए हमारे समोसे जो हैं इस तरीके से बनकर तैयार हो गए। तो फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से सारे समोसों को बनाकर हमें तैयार कर लेना है और अब हमें समोसों को फ्राई करना है। तो चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गुनगुना गरम हो गया है। फ्रेंड्स कढ़ाई में ऑयल जो है गुनगुना गरम है, उसी में हमें समोसों को डालना है। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप समोसों को फ्राई करिए तो गुनगुना ऑयल में ही समोसों को डालिए, वरना होता क्या है कि इसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं और वो समोसे दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो फ्रेंड बिल्कुल ऐसे ही समोसों को 2 से 3 मिनट तक सिकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ही हमें समोसों को उलटना और पलटना है। फ्रेंड समोसों को हम लो से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो समोसों को सिकने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं समोसों में एक अच्छा कलर आ गया है। तो बस हम इसे उलट लेते हैं और फिर से इसे अच्छे से सिकने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं समोसों का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो फिर से हम इसे उलट पलट लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही और अच्छे से फ्राई होने देंगे, जब तक कि ये गोल्डन फ्राई ना हो जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे गर्मा गर्म समोसे सिककर तैयार हो गए हैं। तो बस अब हमें करना क्या है, इन्हें ऑयल से निकाल लेना है और टिश्यू पेपर के ऊपर रखते जाना है। फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बस समोसों को खट्टी मीठी चटनी के साथ एंजॉय करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।